के नूह में सोमवार को शुरू हुई हिंसा की वजह से राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस हिंसा में मोनू मानेसर के अलावा एक और नाम जिसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो है बिट्टू बजरंगी का नाम। आखिर कौन है बिट्टू बजरंगी जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल बिट्टू बजरंगी खुद को गौ रक्षा बजरंग फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट पर बिट्टू ने भी ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की अपील की थी और हिंदुओं से जागने को कहा था। एक पोस्टर में उसने लिखा था, दहशत बनाओ तो शेरों जैसे, वरना खाली डराना तो कुत्ते भी जानते हैं। बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां उसने लगातार पुलिस और यात्रा का विरोध कर रहे लोगों को चैलेंज करते हुए सुना गया और सीधे तौर पर उसने कहा कि वो और उसके साथी यात्रा में जरूर शामिल होंगे और अगर कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। नूह की घटना के दौरान और उससे पहले बिट्टू बजरंगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दूसरी तरफ बिट्टू बजरंगी ने हिंसा में किसी तरह से लिप्त होने की बात से इनकार किया है। बजरंगी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी यात्रा शांतिपूर्ण चल रही थी। उस दिन के घटनाक्रम को लेकर उसने बताया कि मंदिर में पूजा के बाद हमने खाना खाया और कीर्तन हुई। जब हम लौटने वाले थे हमने देखा कि हमारे सामने कुछ बसों को जलाया जा रहा था। वहाँ पर पास में एक मस्जिद, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे कि मणिपुर जैसी घटना ना हो। बिट्टू ने आगे कहा कि यदि रैली में किसी के पास बंदूक थी तो उसका लाइसेंस था। तलवारें पूजा के लिए थी, तलवारें हमले के लिए नहीं थी, बल्कि इसका इस्तेमाल शादी विवाह के दौरान होता है। कुछ ही लोगों के पास तलवारें थी, हम अपने परिवार के साथ गए थे, क्या हम किसी पर हमला करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर हरियाणा को दंगों की आग में झोंकने वाला कौन है, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी या फिर कोई और। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।